तो गरीब साइंटिस्ट आपका स्वागत है। ये क्विक छोटा सा वीडियो होगा, मैं थोड़ा बीमार हूँ तो साउंड थोड़ा अजीब लगेगा। बेसिकली बैड न्यूज है, आज बजट हुआ 2022 का फिस्कल ईयर का, तो बुरी न्यूज है साइंस रिलेटेड। देखो बेसिकली चार साइंस के डिपार्टमेंट्स है जनरल, उसमें से तीन का बजट कम कर दिया गया। सबसे पहले शुरू करते हैं इसरो से। पर याद रखो इसरो को कभी बजट डायरेक्टली एलोकेट नहीं होता है, बजट एलोकेट होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है इसरो, वैसे इन स्पेस और बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन DOS के अंदर आते। अभी देखो DOS को इस साल अलॉट हुआ 13,700 करोड़। ओके, लास्ट ईयर जब प्रॉमिस किया गया था उनको मिला था 13,949 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 14,000 करोड़। अगर आप ये बॉक्स देखो तो यहाँ पे एक और बॉक्स है जहाँ लिखा है रिवाइज्ड है 12,642 करोड़। देखो क्या होता है जब आपको एक बजट अलोकेट होता है, जैसे लास्ट ईयर हुआ 13,949, वो बाद में जाके रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है एक्चुअली इन्हें नीड है कि नहीं, या ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, और फिर वो कम ज्यादा किया जाता है। तो लास्ट ईयर कम हो गया था 12,642 करोड़। तो मेरे हिसाब से तो प्रॉमिस टू प्रॉमिस कंपेयर करना चाहिए। तो अगर हम 13,700 वर्सेस 13,949 देखें तो इस साल का बजट कम किया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, और ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इसरो का काम बढ़ने वाला है, प्लस एडिशनल चीजें जैसे NSIL स्पेस वगैरह और विंग्स आ गए DOS के अंडर, काम बढ़ गया, चीजें बढ़ गए, पर बजट कम हो गया। तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। मुझे बता अभी ये जब मैंने ट्विटर पे डाला तो बहुत लोगों ने बोला कि सर इसरो ने कुछ लॉन्चेस ही नहीं किए लास्ट ईयर, तो कुछ पैसा ही नहीं खर्चा करना था। देखो लॉन्च बहुत छोटा पार्ट इसरो के काम का, इसरो हजार और चीजें करती है, उनको रिसर्च करना है, उन्हें सैटेलाइट्स बनाना है, सैटेलाइट्स मेंटेन करना है, सैटेलाइट्स के डेटा भी रिसर्च करना है, अलग अलग मेजर लैब्स जैसे PRL SAC वगैरह इतने सारे स्प्रेड आउट है, रिमोट सेंसिंग वगैरह वो सब भी ऑपरेट करना है, और प्लस लॉन्च नहीं हो रहा है मतलब ये नहीं कि सैटेलाइट्स पे काम नहीं हो रहा है, चंद्रयान पे काम नहीं हो रहा है, गगनयान पे भी काम हो रहा है, इतने सारे चीजों पे बैकग्राउंड में काम हो रहा है, हमें दिखता नहीं है वो बस। तो ऐसा नहीं है कि बस लॉन्च नहीं किया इसरो कुछ नहीं किया, वैसे नहीं है भाई, इसरो को बहुत चीजें करने को, लॉन्च बहुत छोटा पार्ट है, और अभी वो लॉन्च पार्ट भी NSIL हैंडल करेगी, इसरो रिसर्च करेगा बस। तो हाँ ये डिप तो हुआ है। अगर आपको मैं लास्ट 21-22 साल का ग्राफ दिखाऊं तो आपको देखेगा कि 2015 से 2019 में हमने रिवाइज बजट को बढ़ते हुए देखा, यानी प्रॉमिस एक किया गया और फिर बढ़ाया इसरो का बजट। तो अभी हम इस पॉइंट पे होप ही कर सकते हैं कि इस साल जो कम किया है बजट वो रिवाइज के टाइम बढ़ा दे। अब वो देखते हैं इसरो के ग्रांट्स रिक्वेस्ट के ऊपर सब भी है, बहुत सारी चीजें, इतने सिंपल नहीं है वो। तो हाँ ये फर्स्ट बैड न्यूज। पर याद रखो जब एक बजट आपको दिया जाता है तो एक आउटकम बजट मतलब आउटकम ही दिया जाता है, उसमें थोड़ा जूसी डिटेल्स होते हैं। तो इसमें हमें पता चला कि इसरो क्या प्लान कर रहा है एग्जैक्टली। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट देखो तो एक यानी 1.1 पे आप देखोगे तो दो गगनयान टेस्ट फ्लाइट्स प्लान्ड है। अब ये गगनयान टेस्ट व्हीकल लॉन्चेस है तो शायद ही इनफ्लाइट अबाउट होगा। अगर आपने मेरा सैड ट्रूथ अबाउट गगनयान वीडियो देखा है तो आपको पता है इनफ्लाइट अबाउट टेस्ट होने हैं। मे बी ये वो उस चीज के लिए हो क्योंकि चेयरमैन ने कंफर्म किया था कि 2023 में ही होगा गगनयान का फर्स्ट फ्लाइट। नंबर ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च ड्यूरिंग दिस ईयर 1, जो SSLV के ऊपर जाएगा फर्स्ट फ्लाइट। नाविक सैटेलाइट 1 लॉन्च होने वाली है जो GSLV Mk2 के ऊपर जाएगी। नंबर ऑफ PSLV 5 लॉन्चेस प्लान है, 2 GSLV Mk2 लॉन्चेस। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक नाविक और एक जो होगा वो होपफुली IDRSS होगा। नंबर ऑफ Mk3 व्हीकल्स 1, तो होपफुली दिस इज चंद्रयान 3, जिसके हमें इंडिकेशंस मिल रहा है कि मोस्टली चंद्रयान 3 होने वाला है। और PSLV के 5 लॉन्चेस में से 2 तो ऑलरेडी प्लान्ड है फरवरी और मार्च में, और शायद आदित्य L1 उसमें से एक होगा सितंबर के आसपास। नंबर ऑफ SSLV प्लान टू लॉन्च 2, तो एक होगा वो EOS SAT और दूसरा होगा वो कमर्शियल वाला ब्लैक स्काई वाला। तो साल अच्छा लग रहा है हम जैसे फैंस के लिए, देखते हैं। अगला बैड न्यूज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रॉमिस किया गया था वो था 6,067 करोड़, इस साल जो प्रॉमिस किया गया है वो 6,000 करोड़, वो 67 करोड़ कम। ऑब्वियसली जब रिवाइज होगा तब रिवाइज कंपेयर करेंगे, पर अभी रिवाइज नहीं कंपेयर करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग है, लास्ट ईयर डिसीजन लिया गया था कि DST और DBT वगैरह वो सब डायरेक्टली PMO के अंडर आएंगे, होप था कि ज्यादा एक्सेस और ज्यादा पैसा मिलेगा इन्हें, पर पता नहीं। अगला बैड न्यूज ये तो बहुत ही बड़ा घटा इनका, ये है DBT यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी लास्ट ईयर इन्हें प्रॉमिस किया गया था 3,500 करोड़, इस साल इन्हें प्रॉमिस किया जा रहा है 2,581 करोड़। अभी ये कंसर्निंग है राइट। इनफैक्ट इनका जो इस साल का प्रॉमिस है वो लास्ट ईयर के रिवाइज से भी कम है। लास्ट ईयर रिवाइज होके 2,961 करोड़। जब मैंने ट्विटर पे डाला कुछ लोग बोलने लगे कि ये शायद वैक्सीन के लिए था, लास्ट ईयर बढ़ाया था वगैरह वगैरह, पता नहीं। बट ये बहुत बड़ा ऑलमोस्ट 920 करोड़ का रिडक्शन है बजट में। तो जब आप ओवरऑल एड करोगे तो ये तीन मेजर डिपार्टमेंट्स का पैसा कम
मिस किया गया है। ओनली डिपार्टमेंट जिसका पैसा बढ़ाया गया वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनका लास्ट ईयर प्रॉमिस था 5,200 करोड़, इन्हें मिला भी ऑलमोस्ट सेम रिवाइज करने के बाद, और इस साल प्रॉमिस किया जा रहा है 5,600 करोड़। तो ये ओनली डिपार्टमेंट है जिसका पैसा बढ़ रहा है। तो हाँ, क्या मैं खुश हूँ इससे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। साइंस का पैसा वर्स केस में भी हमें नहीं कम करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट हाँ मैं तो गवर्नमेंट हूँ नहीं। आपको क्या लग रहा है इस बजट के बारे में, या आपके आपके कुछ थॉट्स, या आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास तो मुझे एक्सप्लेन कर देना। ज्ञान की गर्वी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। मेंबर